ये देखे, दिस इज अमेजिंग, दिस इज वेरी अमेजिंग। यहाँ से मैं आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ एक बार। देखिए व्यू, दिस इज वेरी अमेजिंग व्यू। कुछ मेरे सामने जो दिख रहा है यहाँ पे, ये है आपका एम3 का स्मार्ट सिटी वाला प्रोजेक्ट। बाकी आप देख सकते हैं जो पूरा पीछे दिख रहा है ना, ये पूरा स्ट्रेच ये द्वारका एक्सप्रेसवे ही है, ये पूरा द्वारका एक्सप्रेसवे है। दिस इज सो अमेजिंग, इतनी सही स्काईलाइन दिख रही है यार, कसम से। देखिए ओह माय गॉड, दिस इज सो अमेजिंग। यहाँ क्लब हाउस और आपका स्विमिंग पूल आपको देखने को मिल जाता है। सो जैसा कि आपको पता ही है कि लाइक मुझे आर्किटेक्चर बहुत पसंद है। कोई भी टावर में जाता हूँ, लाइक कोई भी बिल्डिंग देखता हूँ, तो आई जस्ट फेल इन लव विद द बिल्डिंग्स एंड ऑल लाइक दैट थिंग। तो जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, आई जस्ट फेल इन लव विद दैट। सो या हम लोग आज जाने वाले हैं, सबसे पहले देखने वाले हैं, एक जस्ट अ ग्लांस वीडियो है, दिस इज़ अ फर्स्ट ग्लांस वीडियो। सो हम कवर करने वाले हैं, छोटा सा कवर होगा, डिटेल वीडियो आने वाली है जल्द ही हमारे चैनल पे, तो सब्सक्राइब करें। ये पूरा यहाँ पे डुप्लेक्स है, आप देख सकते हैं, दिस इज डुप्लेक्स बिल्डिंग। सो हम डुप्लेक्स में जाने वाले हैं, चलिए जी चलते हैं। तो एक बार यहाँ पे अंकल जी भी हमें गाइड कर देंगे थोड़ा सा। अंकल जी चाय की चुस्की ले रहे हैं, बढ़िया। तो यहाँ पे देखो बिल्कुल सिक्योरिटी है हर एक जगह पे, हर एक टावर के अंदर सिक्योरिटी रहेगी, आपको देखने को मिलेगी। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल गार्डन का व्यू देखने को मिल रहा है। इस टाइम पे बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं ये हमारे, बज रहे हैं इस टाइम पे 5 बजे का नज़ारा है। आप देख सकते हैं इस पूरी सोसाइटी का, काफ़ी ब्यूटीफुल सोसाइटी है, बहुत अच्छे से डेवलपर ने बनाई है, बहुत प्यारी सोसाइटी है। तो अभी हम जा रहे हैं डुप्लेक्स को देखने, एक्सप्लोर करने। हाँ जी हाँ जी, डुप्लेक्स दिखा दीजिए ऊपर। हाँ हाँ बिल्कुल। तो ये हम कर चुके हैं लिफ्ट के अंदर एंटर, हम देखो दोबारा आ गए हैं शीशे के सामने। तो भाई जिसने लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दे वीडियो। बाकी हम लोग जा रहे हैं थर्ड फ्लोर की तरफ। थर्ड फ्लोर पे हम लोग आ चुके हैं। सो एक जायजा लिया जाए, देखिए यहाँ पे पूरा लॉबी है, लॉबी बहुत वाइड है, आप देख सकते हैं दिस इज माय हैंड। तो काफ़ी बड़ी एक लॉबी देखने को मिल जाती है, काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है। सो ये आपका कहते हैं ये डुप्लेक्स है ना, ये थर्ड फ्लोर पे है। यहाँ पे देख सकते हैं, देखो एंट्री करी है मैंने, जस्ट एंट्री करी है यहाँ से गेट से, और जैसे स्टेयर केसेस यू कैन सी ओवर हेयर, एंड ये ऊपर तो जा रही है, तो डुप्लेक्स है। वॉइस मेरी थोड़ी गूंज रही होगी, बट दिस इज जस्ट लुक एट दिस, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। लाइक आप जैसे एंटर करते हैं यहाँ से, जैसे आप एंटर कर रहे हैं यहाँ से, एंटर करने के बाद यहाँ से भैया कॉल पे बात करेंगे जैसे। ये देखिए, दिस इज अमेजिंग, दिस इज वेरी अमेजिंग, लाइक 2 सीलिंग हाइट, दिस इज सो कूल, वेरी ब्यूटीफुल। और यहाँ से देखिए, दिस इज अ वेरी अमेजिंग यार, लाइक आप देखिए यहाँ से मैं आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ एक बार। ओके, एक तो बहुत देर से हमने बैग कैरी किया हुआ है, तो बिल्कुल हाथ पर देखिए बैग पूरा कैरी कर रखा था, तो बैग को रख देते हैं फिलहाल के लिए यहाँ पे। हाँ जी, तो बैग रख दिया गया है, और अब हम थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं। आप देखिए व्यू, दिस इज़ वेरी अमेजिंग व्यू, दिस इज़ अमेजिंग। तो ये है पूरी सोसाइटी का व्यू, देखिए इस तरफ से, ये नीचे जो आप देख सकते हैं ये है पार्किंग का, जैसे मैंने बताया था जब मैं नीचे था, और यहाँ पे पूरी सोसाइटी जा रही है, गेटेड गाड़ी सोसाइटी है पूरी। देखिए वहाँ पे उस साइड पे आप देख सकते हैं, थोड़ा मैं कैमरे पे दिखाना चाहूँगा, उस साइड पे आपका गार्ड वगैरह सिस्टम है सारा, तो वहीं से एंट्री होती है। ये बैक वाला गेट है एक्चुअली, मेन वाला गेट पीछे की साइड पे है, जहाँ पे गार्डन एरिया दिख रहा था मैंने सुबह, अभी नीचे दिखाया था। और ये आपका आ गया प्ले एरिया किड्स के लिए, ये अलग अलग जोन्स में सैटेलाइट प्ले एरिया सिस्टम है यहाँ पे, लाइक अलग अलग पार्क बना रखे हैं बहुत सारे, सब में प्लेइंग का सिस्टम दे रखा है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा है। बाकी सामने अलग अलग सोसाइटीज़ और घर बने हुए हैं प्राइवेट, और जो आप सामने देख रहे हैं, बिल्कुल मेरे सामने जो दिख रहा है यहाँ पे, ये है आपका M3 का स्मार्ट सिटी वाला प्रोजेक्ट। स्ट्रेच दिख रहा है ना पूरा स्ट्रेच, ये वाला पूरा M3 का स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है, उसमें लिखा भी Y1 M3M एक्सपीरिया की सेल्स गैलरी, वहाँ पे 113 मार्केट नज़र आ रहा है, देखिए सेक्टर 113 मार्केट। मैं जूम कर दूंगा थोड़ा सा, अब DSLR ज़्यादा जूम हो नहीं पाता उतना, क्योंकि इस पर लेंस थोड़ा वाइड एंगल वाला लगा हुआ है टाइम पे। बाकी आप देख सकते हैं जो पूरा पीछे दिख रहा है ना, ये पूरा स्ट्रेच ये द्वारका एक्सप्रेसवे ही है, ये पूरा द्वारका एक्सप्रेसवे है। दिस इज सो अमेजिंग, इतनी सही स्काईलाइन दिख रही है यार, कसम से। आप सामने देखते हैं, सामने पूरी का आपको डिप्लोमेटिक वाला प्रोजेक्ट दिख जाएगा,
काफ़ी अच्छी स्काईलाइन उसकी भी है। यहाँ पे एमसीएम का प्रोजेक्ट काफ़ी मतलब ब्यूटीफुल लग रहा है, बनता हुआ नज़र आ रहा है। कितने सारे टावर बन गए यार सीरियसली। लाइक अभी कुछ महीने पहले ही कहानी काफ़ी नीचे थी, काफ़ी लाइक 4-5 टावर बने थे, पर अब इस टाइम पे तो 8-9 टावर मुझे दिखाई दे रहे हैं कि बन चुके हैं एमसीएम के भी। और ये पूरा आप देख सकते हैं, दिस इज़ द होल व्यू फेसिंग द द्वारका एक्सप्रेसवे फ्रॉम एक्सपीरियन विंसेंट। या ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ऊपर पूरा आपका ये एरिया हो गया, यहाँ पे आपका लिविंग रूम बन सकता है बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ मेरा बैग पड़ा हुआ है साइड में। बाकी काफ़ी अच्छा सिस्टम है। सो दिस इज, ये भी काफ़ी अच्छा है, पर्सनल लिविंग रूम टाइप बन सकता है, ड्राइंग रूम बन सकता है, वो ड्राइंग रूम बन सकता है, ये लिविंग रूम बन सकता है। यहाँ पे आपकी किचन देखने को मिल जाती है, बहुत वाइड है किचन, सी दिस वेरी वाइड किचन, वेरी वाइड मॉडुलर किचन ये बना के दे रहे हैं। बाकी आप यहाँ देख सकते हैं, एक टूर वीडियो ही होगी वैसे तो, पर मैं आपको ये देखिए, ओह माय गॉड दिस इज सो अमेजिंग। यहाँ क्लब हाउस और आपका स्विमिंग पूल आपको देखने को मिल जाता है। एंड जैसे मैंने बताया था 7 फ्लोर से आपका स्काई वॉक चलता है, सो यू कैन सी ओवर हेयर, ये पूरा आपका स्काई वॉक चल रहा है जॉइनिंग एवरी टावर। दिस इज़ वेरी अमेजिंग। एक टूर वीडियो छोटी सी हो गई है वैसे ये, पर इसकी डिटेल्ड वीडियो आपको जरूर देखने को मिलेगी जल्द ही। यहाँ टॉयलेट WC दे रखा है, इस साइड पे एक और रूम है, यहाँ पे छोटा सा बंद कर रखा है, आई डोंट नो व्हाई, यहाँ से भी रास्ता जाने का। यहाँ से अंदर आ गए हैं हम इस वाले रूम में। अच्छा वो बालकनी, अच्छा इधर की बाहर ही आ गए हैं इससे हम। अच्छा तो ये बाहर की एंट्री भी है यहाँ से बेसिकली। एक्चुअली ये सर्वेंट वाला रूम होगा आई गेस, दिस इज सर्वेंट रूम, बिकॉज सर्वेंट भी तो रहेंगे ना। दिस इज़ अ वेरी बिग हाउस, सो आप इतना बड़ा हाउस लोगे तो ऑब्वियसली यू हैव टू पुट द सर्वेंट समवेयर। बाकी ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ब्यूटीफुल, दिस इज वो सो अमेजिंग लैंडस्केपिंग, वेरी अमेजिंग लैंडस्केप डिज़ाइन। पूरा यहाँ पे स्विमिंग पूल भी दे रखा है, क्लब हाउस भी दे रखा है, डैम दिस इज सो अमेजिंग। पूरा देख सकते हैं प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। बाकी लेटेस्ट वर्क इज सो नाइस, दिस इज सो नाइस, दिस इज अमेजिंग। हमारे सूरज वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और इस साइड से हम लोग जाने की कोशिश करते हैं, इधर WC आगे दोबारा इधर जाते हैं, इधर से क्या है, यहाँ से हम एंट्री करते हैं। तो किचन के अंदर आ गए हम लोग दोबारा, चिमनीज वगैरह लगी हैं बॉश की, और यहाँ पहले लिविंग रूम टाइप हो गया, थोड़ा सा लिविंग रूम टाइप है। ये अलमीरा की स्पेस बन सकती है आई गेस, दिस इज वेरी बिग स्पेस। थोड़ा मंदिर भी बन सकता है, सही बताऊँ तो मंदिर के लिए ज़्यादा बेटर है ये, काफ़ी अच्छा। एक और दूसरी बालकनी भी मिल जाती है आपको देखने को। और ये अभी हम फर्स्ट फ्लोर पे हैं इसके, जस्ट एक यहाँ पे बेडरूम हो सकता है, दिस इज बेडरूम लाइक आई सेड। एंड बेडरूम से आपको देखो अच्छी बड़ी विंडोज़ हैं, एंड यहाँ से आपको व्यू देखने को मिलेगा द्वारका एक्सप्रेसवे का, विच इज़ वेरी अमेजिंग, डैम। सो इस साइड पर अगर हम जाते हैं तो आपको यहाँ पे वॉकिंग क्लोजेट आप बना सकते हो, यहाँ पे ये पूरा वॉकिंग क्लोजेट बन सकता है, उसका एरिया है। उसके बाद आप यहाँ पे एंट्री करते हैं, तो दिस इज अटैच्ड टॉयलेट बाथरूम, एंड इधर आपका यहाँ पे आपका वो भी दे रखा है पूरा बाथटब, इधर आपके ग्लास वाले आपके कहते हैं शावर एरिया दे रखा है देखने को मिल जाता है। एंड ये काफ़ी अच्छा दे रखा है यहाँ पे पूरा, आप देख सकते हैं दिस इज अमेजिंग। थोड़ी क्लीनिंगनेस मैं कहूँगा कि क्लीनिंगनेस नहीं हो रखी, बिकॉज काफ़ी सारी यूनिट ऑलरेडी बन रखी हैं, तो सबकी मेंटेनेंस और क्लीनिंग बहुत समय लेती है, तो ये सारा कुछ क्लीन हो जाएगा। इफ़ यू बाय दिस प्रॉपर्टी इट ऑल विल गेट क्लीन अप। आई होप आपको अच्छी लग रही होगी वीडियो आके देखने में, पर हाँ हमारा कैमरा बिल्कुल परफेक्ट है, वो बिल्कुल क्लीन रहता है, परफेक्ट। खैर आगे चलते हैं, कमिंग टू द नेक्स्ट बालकनी एरिया। यहाँ हम देख चुके हैं ये डबल हाइटेड वाला जोन है, इसके इस तरफ देखा जाए तो आपका एक छोटा सा बेडरूम और देखने को मिल जाता है इस साइड पे। 3 विंडोज हैं यहाँ पे वर्टिकल अलाइनमेंट में, एंड जाली भी लगी है जिससे करके कुछ इनका ब्रांड है कोई, इस पर कहाँ लिखा है, ये रहा इससे करके कोई ब्रांड है उसकी, ये विंडोज़ वगैरह हैं आप देख सकते हैं। ओपन करके तो जाली वाली विंडो थी वाली, और ये आपकी ओपन नॉर्मल विंडो है। एनीवे अगर आप इधर देखें तो इधर टॉयलेट बाथरूम अगेन
विच इज अटैच टॉयलेट बाथरूम, काफी बिग विंडो देखने को मिल जाती है। यहाँ पे कोई बाथटब नहीं है बट काफी अच्छा बनाया हुआ शावर एरिया है, WC इज ओवर देयर एंड इट इज वेरी नाइस डिजाइन, वेरी नाइस प्रॉपर्टी इट इज, काफी अच्छी बनाई। अब ऊपर चलते हैं एक बार डुप्लेक्स में। यहाँ पे आपका एक स्लाइडिंग डोर वाला WC है फॉर द कॉमन पीपल, लाइक आप कॉमन टॉयलेट बाथरूम कह सकते हैं इसे। एक तरह से पाउडर रूम है, यहाँ पर वॉश बेसिन है, शॉवर एरिया नहीं है, यहाँ पर WC है, बस एक पाउडर रूम है बेसिकली। लाइक कोई भी गेस्ट आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं, ऑफिस के लोग आते हैं, मीटिंग करी और यहाँ पे वो टॉयलेट यूज़ कर सकते हैं। एंड बेथिंग पर्पज का तो काम ही नहीं है, कोई क्लाइंट आते हैं, ऑफिस के लोग आते हैं तो यहाँ पे मीटिंग करके आप डायरेक्टली उनसे बात कर सकते हो। बाकी अंदर लिविंग रूम का एरिया बन सकता है जहाँ पे आप पर्सनल फैमिली को रख सकते हो, या पार्टीशन एक गेट दे सकते हो छोटा सा, ताकि जितने भी बच्चे बच्चे हैं वो लोग अंदर खेलते रहें, वाइफ और कितने बच्चे जितने भी हैं सब लोग अंदर यहाँ पे आराम से TV वगैरह देखें अच्छे से। तो ये एक बहुत अच्छा डिज़ाइन है। सही बताऊँ तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन लिविंग रूम एंड द डाइनिंग एंड द ड्राइंग रूम। सो दिस विल बी द ड्राइंग रूम, लग्जरी ड्राइंग रूम, दिस कैन बी एंड दिस कैन बी योर लिविंग रूम वेयर द लाइफ लिव। सो इधर आप TV वगैरह देखते हो, पर्सनल एक स्पेस मिल जाएगा काफ़ी बड़ा, तो ये चीज़ है। और इधर एक आपका ड्राइंग एरिया हो गया जस्ट फॉर ऑफिशियल पर्पज़ एंड रिलेटिव्स वगैरह भी यहाँ पे बैठ सकते हैं कल को, काफ़ी अच्छा एरिया भी बना यहाँ पे दे रखा है। बाकी चलते हैं अब हम लोग थोड़ा ऊपर की तरफ। ये एक तरह से डिटेल्ड वीडियो ही होगी वैसे पर कोई नहीं, मज़ा आ रहा देखने में तो बनाया जा रहा हूँ मैं। हाँ, तो ये टूर वीडियो हो ही गया एक तरह से, मैंने सोचा नहीं था टूर वीडियो बनाने का, पर ठीक है, लेट्स जस्ट गो विद फ्लो। सो दिस इज अमेजिंग, दिस इज अमेजिंग, अमेजिंग व्यू यार, दिस इज सो अमेजिंग व्यू। बाकी आपके बालकनी आ गई, बहुत बड़ी बालकनी है, यू कैन सी ओवर हेयर। एंड ये आपका एक छोटा सा प्ले एरिया बन सकता है, आप कुछ भी तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं अपने नीड्स के अकॉर्डिंग। ये आपका एक और बेडरूम आ गया यहाँ पे, दिस इज अ वेरी बिग बेडरूम, टॉयलेट इसके अंदर अटैच होगा आई गेस। यहाँ पे वॉकिंग क्लोजेट हो सकता है, यहाँ पे आपका टॉयलेट हो सकता है, दिस इज योर टॉयलेट जोन, यू कैन सी ओवर हियर। यहाँ पे आपका बाथरूम वाला एरिया हो गया बेसिकली, टॉयलेट है यहाँ पे, इसके बाद आप यहाँ जा सकते हैं, दिस इज अनदर बेडरूम। वीडियो पूरी एक गो में बना रहा हूँ मैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि भाई मैं कहाँ कहाँ जा रहा हूँ। ये आपका वॉकिंग क्लोजेट हो जाएगा और यहाँ पे ये अगेन अ बेडरूम विद द बाथटब एंड ऑल्सो विद ग्लास शावर कैबिनेट। And this is me again. Yeah. आगे चलते हैं, अगेन अ बिग बालकनी फेसिंग द द्वारका एक्सप्रेस वे, दिस इज अमेजिंग। सो यहाँ से चलते हैं आगे, यहाँ से देखो आप व्यू कितना अच्छा मिल रहा है नीचे, जो लिविंग रूम है, लिविंग रूम नहीं ड्राइंग रूम का काफ़ी अच्छा व्यू है। डबल हाइटेड यहाँ पे विंडोज देखने को मिल जाती हैं। इस साइड पर अगर आप देखेंगे तो ये मैंने बताया था कि कुछ भी बना सकते हैं इसको, इस रूम का नाम है कुछ भी कुछ भी रूम बना सकते हैं इसको हम, बढ़िया सा। बाकी आप इस तरफ देख सकते हैं, लिफ्ट दे सकते हैं अगर पर्सनलाइज आपको अपनी लिफ्ट देनी है अपने घर में, तो आप लिफ्ट दे सकते हैं 2 फ्लोर तक की। सो दिस इज द लिफ्ट जोन एंड एक अनदर बेडरूम। तो बेसिकली 4 to 5 BHK एक तरह से हो गया ये, एंड विद 2 living room areas, दिस इज़ अमेजिंग। एंड यहाँ पे 3 window system है जैसा आप देख सकते हैं, काफ़ी बिग विंडोज है यार, लाइक टोटली अप टू डाउन, पूरी प्रॉपर यहाँ तक पैर तक आ रही है, और ये लिफ्ट जो कहते हैं आपकी विंडो है, दिस इज़ वेरी अमेजिंग। तो अब यहाँ से चला जाए, दिस इज डुप्लेक्स। अब मैं सोच रहा हूँ कि पूरा डुप्लेक्स कवर हो ही गया है, तो इसकी भाई टूर वीडियो यही है जब पूरा टूर कवर कर ही लिया है तो फिर अभी ये इसकी अलग से वीडियो का बनानी, मैं इसको अलग एक सेपरेट वीडियो डाल दूंगा आप सबके लिए, ताकि ज़्यादा लंबी वीडियो ना बने, और ये एक पूरा टूर हो जाएगा आपका डुप्लेक्स का। बाकी मैं जो डायरेक्ट जो यहाँ पे डेवलपर टीम से आ रहे हैं, मैं उनसे मैं आपको बात करवाऊँगा डायरेक्टली, नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं,
हम आपको देंगे बेस्ट डील. आई कैन टेल यू दैट, आई कैन लाइक ऑलवेज टेल यू दैट दैट वी विल गिव यू द बेस्ट डील. सो जस्ट गिव अस अ चांस एंड यू विल नॉट रिग्रेट. बाकी फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस यू कैन स्टे सब्सक्राइब्ड एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू आर द न्यू. एंड बाकी आई होप अच्छा लगा होगा वीडियो. काफ़ी रियलिस्टिक वीडियो बनाता हूँ मैं, ऐसी प्रोजेक्ट्स की रिव्यूज़ देता हूँ, अनबायस रिव्यूज़ होते हैं. काफ़ी सारे भी लोग मेरे से कंसल्ट भी करते हैं कि भाई कि कौन से एरिया में प्रोजेक्ट में पैसा लगाना इन्वेस्टमेंट के लिए बेटर है, कौन से एरिया में पैसा लगाना या फिर कौन से प्रोजेक्ट में पैसा ऐसा लगाना फॉर द एंड यूज़ अच्छा है. तो बहुत सारी चीज़ें, मैं थक चुका हूँ, थोड़ा सा टायर्ड हो चुका हूँ. आई जस्ट नीड अ रेस्ट बिकॉज बहुत देर से मेरा हाथ ऐसे हवा में है. एंड यहाँ पे एक्चुअली दिस इज़ अन सेमी फर्निश्ड प्रोजेक्ट. सो सेमी फर्निश्ड नहीं, अनफर्निश्ड कह सकते हो, पर एसी वगैरह दे रखे हैं. वो बात करनी पड़ेगी डेवलपर टीम से कि भाई इफ़ दे आर प्रोवाइडिंग और नॉट. बाकी कहते हैं कि लाइक हाँ, मतलब मैं थोड़ा सा अगर फुल्ली फर्निश्ड होता तो ज़्यादा मज़ा आता. इसलिए मैं थक चुका हूँ कि मुझसे बैठा जा सकता है ना, ऐसा बैठ नहीं सकते अभी क्योंकि पूरा प्रोजेक्ट अभी खाली खाली है. या बाकी काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है. बिल्ड क्वालिटी इज़ नाइस, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इज़ नाइस, मतलब जो पूरा बनाया हुआ है अच्छा, काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है. तो अपना बैग लिया जाए एक बार और चला जाए यहाँ से. अब चलते हैं हम लोग पेंट हाउस की तरफ. पेंट हाउस की मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आप उसको देख सकते हैं जाके. जैसे आपने ये वीडियो देखी है, इस वीडियो के बाद आप पेंट हाउस की वीडियो जरूर देखना बिकॉज मैं अभी बनाने जा रहा हूँ. जस्ट बस वीडियो को मैं मर्ज नहीं कर रहा, वाई, बिकॉज वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी इसलिए. तो जिसको डुप्लेक्स देखना है वो ये वीडियो देख सकता है, जिसको पेंट हाउस देखना है आपको आई सेक्शन में डाल दूंगा वीडियो बना के, आप उसमें देख सकते हैं. पर इस वीडियो के बाद ही अपलोड होगी वो वीडियो. तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नए प्रोजेक्ट पे या फिर नई रियल एस्टेट वीडियो में. तब तक के लिए वंदे मातरम एंड जय हिंद.